इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जेनुमेट XRCP टैबलेट को अकेले या डायबिटीज की अन्य दवाओं के साथ में दिया जा सकता है। स्वस्थ आहार और नियमित एक्सरसाइज के साथ इसका इस्तेमाल करने पर यह बेहतर काम करता है। आपको जो डोज दी जाएगी वह आपकी कंडीशन, ब्लड शुगर लेवल और आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य दवाओं पर निर्भर करेगी। इसे भोजन के साथ लेने से पेट की खराबी की संभावना कम होती है। अधिकतम लाभ पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से हर दिन एक तय समय पर ही लेना चाहिए और जब तक डॉक्टर सलाह न दे तब तक इसे लेना बंद नहीं करना चाहिए। इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। आपकी जीवन शैली डायबिटीज को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। जेनुमेट XRCP टैबलेट लेने के सबसे आम साइड इफेक्ट में डायरिया, दस्त, मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना, सिर दर्द और गले में खराश होना शामिल हैं। अगर आप इंसुलिन या सल्फोनिल्यूरिया जैसी डायबिटीज की अन्य दवाएं भी ले रहे हैं तो संभव है कि साइड इफेक्ट के रूप में ब्लड शुगर लेवल लो, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। इसलिए आपको जानना होगा कि इसे कैसे पहचानना है और इसे कैसे निपटना है। यह दवा सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपको किडनी, लीवर या हृदय रोग या अग्न्याशय की समस्या है या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं तो इसे लेने से पहले डॉक्टर को बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जेनुमेट XRCP टैबलेट को कुछ अन्य दवाएं प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं ताकि आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आपको शराब पीने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। आपके डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले और इलाज के दौरान आपके किडनी फंक्शन और ब्लड शुगर के लेवल की जांच करेंगे। जेनुमेट टैबलेट सीनियर के लाभ। टाइप 2 डायबिटीज मेलिट्स का इलाज। जेनुमेट XRCP टैबलेट दो दवाओं का एक मिश्रण है जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के विभिन्न तरीकों से एक साथ काम करता है। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना डायबिटीज को नियंत्रित करने का प्रमुख हिस्सा है। अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित कर लेते हैं तो डायबिटीज से होने वाली गंभीर समस्याओं जैसे कि किडनी खराब होना, आंखें खराब होना, नसों से जुड़ी समस्याएं और अंगों की क्षति के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज पर उचित नियंत्रण से हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम भी कम हो सकता है। उचित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा का नियमित सेवन आपको स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने में मदद करेगा। निर्धारित अवधि तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें क्योंकि इससे आपके भावी स्वास्थ्य की सुरक्षा हो रही है। जेनुमेट टैबलेट सीनियर के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। जेनुमेट के सामान्य साइड इफेक्ट। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, मिचली आना, उल्टी, डायरिया, दस्त, भूख में कमी, पेट फूलना, श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में संक्रमण। जेनुमेट टैबलेट सीनियर का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। जेनुमेट XRCP टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।